देश की सबसे आधुनिक इंजन लेस ट्रेन TAT ने रविवार को स्पीड के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे ट्रायल के दौरान यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। दूसरा स्पीडी ट्रायल कोटा से सवाई माधोपुर के बीच किया जा रहा है। अपने पहले स्पीड ट्रायल के दौरान ये ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ चुकी है। ICF प्रमुख सुधांशु मनी दूसरे ट्रायल के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, ये ट्रेन मौजूदा शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी और मुसाफिरों को ट्रेन यात्रा का नया अनुभव देगी। भारतीय रेलवे की 30 साल पुरानी शताब्दी ट्रेन का स्थान लेने के लिए ट्रेन 18 29 अक्टूबर को पहली बार परीक्षण किया गया था। बिना इंजन वाली ये ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत में बनी है। बाकी ट्रेनों की तरह इसके ना तो डिब्बे बदले जाते हैं और ना ही इसमें इंजन लगा होता है। इसमें एक ट्रेन के सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सेट की तरह चलता है, इसलिए इसे ट्रेन सेट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे तैयार किया है और साल 2018 में बनने के कारण इसे T18 नाम दिया गया है। इस ट्रेन की पूरी बॉडी खास एल्यूमिनियम की बनी है। एल्यूमिनियम से बने होने के कारण ये ट्रेन वजन में हल्की भी होगी। T18 को तुरंत ही ब्रेक लगाकर रोकना आसान होगा और इसे तुरंत ही तेज गति भी दी जा सकती है। गौरतलब है कि T18 को नेक्स्ट जेनरेशन की ट्रेन कहा जा रहा है और इसका ट्रायल दिल्ली मुंबई राजधानी रूट पर किया जा रहा है। शनिवार को ट्रायल के दौरान ट्रेन 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी, जबकि रविवार को इसने नया रिकॉर्ड बनाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो शेयर करके बताया कि इतनी स्पीड में भी ट्रेन में झटके नहीं लग रहे हैं। वीडियो में पानी की बोतलों को दिखाया गया है जो काफी स्थिर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, जोर स्पीड का झटका धीरे से लगा। आपको बता दें, आज भारत न सिर्फ खुद के लिए आधुनिक ट्रेन बना रहा है बल्कि कई देशों में रेल के कोच का निर्यात भी कर रहा है। रेलवे की चेन्नई स्थित ICF कोच फैक्ट्री मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश, तंजानिया, मोजाम्बिक, अंगोला, नाइजीरिया, युगांडा के लिए रेलगाड़ियों के डिब्बे या उनके पुर्जे बनाकर निर्यात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।